स्वागत है आप सबका विटालिटी T20 ब्लास्ट के ट्रिपल एडर के दूसरे गेम के अंदर। मुकाबला है यहाँ पर सरी वर्सेस ससेक शार्क्स के बीच में, जो खेला जाएगा किनिंगटन ओवल लंदन पे। इस वेन्यू को कियोल के नाम से भी जानते हैं। मैच टाइमिंग है 7:00 PM। तो फिर से आपको वहाँ पे बहुत ही बढ़िया गेम देखने को मिलेगा स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए। बहुत से भाइयों को वहाँ पे क्वेश्चन होगा, जिसने यहाँ पे ससेक्स का लास्ट गेम खेला था फैंटेसी के अंदर, कि यहाँ पर शादाब खान ने लास्ट मैच में बॉलिंग क्यों नहीं करी। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, तो अंत तक वीडियो देखना। जो आपको यहाँ पे टिप्स चाहिए रहती है ना टीम बनाने के लिए, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो अंत तक वीडियो देखना, बस आपको इतना सा काम करना है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसका फायदा क्या है, लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, जैसे पिच की फोटो हो गई, प्लेइंग 11 हो गया, बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, जो सारी जानकारी है ना, ये आपको मिलती है टेलीग्राम के ऊपर। जुड़ना कैसे है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो देखें, किनिंगटन ओवल, जिसको अपन कियोल के नाम से भी जानते हैं, लंदन के अंदर यह मैदान है। और इस वेन्यू के ऊपर लास्ट मैच हुआ था अभी एक दो दिन पहले, 26 मई को मैच हुआ था, परसों के दिन। सरी वर्सेस कैंट के बीच में गेम था और हाई स्कोरिंग मैच था, वो एकदम सपाट ट्रैक था। उस गेम में देखो क्या हुआ था, 223 बना दिया था सरी ने पहले बैटिंग करते हुए, और शेन अबॉट ने वहां पर 34 बॉल के अंदर शतक बना दिया। जो शेन अबॉट है ना, क्या पारी थी भाई सब बंदे की वहां पर। और फिर देखो, कैंट चेस करने आती है, 182 रन बना पाती है 7 विकेट गवा के। मैं सीरियसली कहूँ, यह मैच कैंट के हाथ में था, बहुत सारा शेन अबॉट आके बहुत बड़ी पारी खेल गया, वरना यहाँ पे कैंट लगभग ये मैच निकाल लेती। अब देखो, उससे पहले की बात करें, 160 बना 5 विकेट गवा के, और जो टीम चेस करने आती है वो सिर्फ एक रन से पीछे रह जाती है। 191 बना टारगेट चेस हो गया 9 बॉल रहते, 144 बना टारगेट चेस हो गया, 155 बना टारगेट चेस हो गया 29 बॉल रहते, 146 बना टारगेट यहाँ पे चेस हो गया 21 बॉल रहते। तो ये बहुत ही बढ़िया वेन्यू है बैटर्स के लिए, यहाँ पे बैटर्स को बहुत मजा आता है, बॉल यहाँ पे ट्रेवल करती है, बहुत बढ़िया पिच थी लास्ट मैच के अंदर। अगर आपने लास्ट मैच देखा हो कैंट का, और जो यहाँ पे हुआ था सरी का, जिसके अंदर शेन अबॉट ने शतक बनाया था, भाई क्या पिच थी वो, सपाट ट्रैक था पूरा। अब देखो, इस वेन्यू के ऊपर सरी का होम ग्राउंड है, और सरी ने इस वेन्यू के ऊपर 114 मैच खेला और 67 मैच जीता है, अच्छा रिकॉर्ड है। ससेक्स यहाँ पे 14 मैच खेली है, 6 मैच जीती है। तो लेट्स सी इस गेम में क्या होता है। और जो टीम यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करी है 4 मैच जीती है, और जो टीम चेस करी है 6 मैच जीती है पिछले 10 मैच उसमें, मोस्टली कहूँ तो यहाँ पे चेस करने वाली टीम को एडवांटेज मिलता है। प्रति ओवर 9 के ऊपर रन बनते हैं हर एक ओवर के अंदर, हाई स्कोरिंग वेन्यू है, ठीक ठाक 170-180 यहाँ पे हमेशा बनते ही बनते हैं। जो लास्ट गेम था सरी वर्सेस कैंट का, उस मैच के अंदर आप देखें, पेसर्स ने 6 विकेट निकाला था, स्पिनर्स के नाम 5 विकेट था, 2 विकेट विल जैक्स का सेकंड इनिंग्स में था, 2 विकेट वापस सुनील नारायण का था सेकंड इनिंग्स के अंदर, और पहली पारी के अंदर जॉर्ज लिंडे, जो साउथ अफ्रीका का ओवरसीज प्लेयर है, कैंट की तरफ से खेल रहा था, उसने पहली पारी में सिर्फ 1 विकेट निकाला था स्पिनर में। अब देखें ओवरऑल बॉलिंग फिगर्स देखते हैं, लास्ट 10 मैच में इस वेन्यू के ऊपर पेसर्स ने 74 विकेट निकाला, 74 पहली बारी में 34 है, दूसरी बारी के अंदर 40 है, राइट आर्म पेसर्स 48, लेफ्ट आर्म पेसर्स 26 है। लेफ्ट आर्म पेसर्स भी विकेट निकालते हैं, रीजन सिंपल है, यहाँ पर वो खेलता है सैम करन। अब देखिए, मैं साइड होता हूँ, स्पिनर्स की बात करता है, स्पिनर्स भी अच्छा डालता है, 35 विकेट है, पहली पारी में 18 है, दूसरी पारी के अंदर 17 है, ऑफ स्पिनर्स का 17 है, लेग स्पिनर्स का 6, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का यहाँ पे 12 विकेट है। ऑफ स्पिनर्स तो गेम में आते हैं, नारायण खेलता है यहाँ पे, विल जैक्स खेल रहा है, तो स्पिनर्स गेम में स्पेशली ऑफ स्पिनर्स गेम में आते हैं। ये लास्ट ईयर की पिच की फोटो है, मेरे को जो परसों मैच हुआ था यार, उसकी पिच की फोटो मेरे को मिली नहीं, मैंने बहुत कोशिश करी, जुगाड़ किया, ग्राउंड्समैन को मैसेज किया, भाई नहीं कोई कुछ नहीं बताया मेरे को। तो आप देखें यहाँ पर ऐसी पिच दिखती है, बहुत बढ़िया ट्रैक रहता है बैटिंग के लिए, रन यहाँ पे भरपूर बनते हैं, स्टेडियम का व्यू देख सकते हो, वैसा स्टेडियम दिखता ही है। डायमेंशंस की बात करते हैं, सामने की बाउंड्री यहाँ पे 66 मीटर होती है, स्क्वायर बाउंड्रीज यहाँ पे 70 मीटर तो बोला जाता है, पर लास्ट मैच में देखा था बाउंड्री थोड़ी अंदर थी, तो 65 मीटर की मेरे हिसाब से लास्ट मैच में बाउंड्री थी। और स्टेडियम का व्यू देखो, ऐसा स्टेडियम दिखता, बड़ा खूबसूरत है मैदान है। ये देखो आप, ये कल के मैच की, जो परसों जो मैच हुआ था, तब की पिच की फोटो है, स्टेडियम की पिच नहीं, स्टेडियम की फोटो है ये, आप देखो बहुत ही खूबसूरत मैदान था, बहुत बढ़िया जनता यहाँ पर मैच देखने आई थी। ये VIP स्टैंड है साइड में जो आपको दिख रहा है, ये नॉर्मल जनता के लिए स्टैंड है, और ये रिंग के लिए बहुत पॉपुलर है, जो ऐसा रहता है ना ये वाला, इसके लिए बहुत पॉपुलर है स्टेडियम, मेरे को खुद को नहीं पता क्यों पॉपुलर है। चलते हैं किसकी तरफ, बड़ा खूबसूरत मैदान है। ससेक्स टीम्स को अपन पहली बार कवर करने वाले हैं, तो ससेक्स टीम के कैप्टन रवि भोपारा हैं ससेक्स शार्क्स के, और इस टीम के अंदर नेथन मैकेंड्री ओवरसीज प्लेयर है, शादाब खान ओवरसीज प्लेयर है, और यहाँ पे ग्रीस का प्लेयर है एरी कैरवेल्स करके, ठीक है, ग्रीस का क्रिकेटर है वो।
टाइटल एक बार जीता 2009 के अंदर, लास्ट ईयर 7th पोजीशन के ऊपर फिनिश किया था। इस मैच में आपको फिर से जसन रॉय नहीं दिखेंगे, स्क्वाड के अंदर उनका नाम नहीं है। क्रिस जॉर्डन अभी वापसी कर रहे हैं भारत के अंदर, मुंबई इंडियंस बाहर हो गई थी आपको पता ही हो तो, क्वालिफाइड टू के अंदर अगेंस्ट गुजरात टाइटन्स। दोनों टीम्स ने 39 मैच खेला, सरी 20 जीती है, ससेक्स 18 जीती है, एक मैच न्यूट्रल दिया। दोनों टीम्स के बीच में बहुत अच्छी टक्कर होती है, कांटे के टक्कर के मैचेस होते हैं। 11 की बात करें सरी की, तो विल जैक्स ओपन करेंगे लॉरी वांस के साथ, क्योंकि जसन रॉय ओपन नहीं कर रहे हैं, नारायण से ओपन नहीं कराएंगे, ये लॉरी वांस से कराएंगे। सैम गरन है, टॉम गरन, जेमी ओवरटून, शेन अबॉट, जेमी स्मिथ, जॉर्डन क्लार्क, सुनील नारायण, गस एटिंगसन और आपको टॉम लॉस दिखेगा। लोविस नाम है वैसे, इसको लोविस बोल रहे थे कॉमेंटेटर्स, तो लेट्स सी क्या होता है। फास्ट बॉलर है एलिस्टर और ओपन करता है, लेफ्टी बैटर है और रवि टॉम क्लार्क लेफ्टी हैं, टॉम अल्सोप लेफ्टी हैं, तो आपको टॉप तीन के अंदर लेफ्टीज दिख जाते हैं, तो समझो नारायण पावर प्ले में डाल सकता है, विल जैक्स बॉलिंग करने आ सकता है। कैप्टनसी रवि बोपारा कर रहा है, भाई डिजाइनर ने पता नहीं कहाँ कैप्टन का साइन लगा दिया। रवि बोपारा यहाँ पे कैप्टन है, विकेट कीपिंग तो भाई साहब यहाँ पे कर रहे हैं माइकल ब्रुक्स, ये दिख रहा है यहाँ पे लिखा विकेट कीपर। शादाब खान आपको खेलते हुए दिखेंगे और मैं समझाता हूँ लास्ट मैच में बॉलिंग क्यों नहीं करी। बहुत सारे भाई को क्वेश्चन है, लास्ट मैच में क्या हुआ था, 7वां ओवर चल रहा था, टॉम कुलर कैडम और बैटिंग कर रहे थे और बॉल हवे में मारी, वहाँ पे दो प्लेयर्स वहाँ पे फील्डिंग कर रहे थे, दोनों ओवरसीज प्लेयर थे नेथन मैकएंड्रयू और वहाँ पर शादाब खान, ये दोनों वहाँ पे फील्डिंग कर रहे थे, बॉल आती है दोनों टकरा जाते हैं आपस के अंदर। टकराने के बाद क्या हुआ, शादाब खान को दिक्कत आ गई, मैच 10 मिनट के लिए रुक गया था। शादाब खान के जो नेक है ना गर्दन पे, यहाँ पे सूजन आ गई थी, इस वजह से शादाब खान ने बॉलिंग नहीं करी और ससेक्स लास्ट मैच हार जाती है इनके कारण कि इन्होंने बॉलिंग नहीं करी थी वहाँ पे, तो ये एक सबसे बड़ा कारण था शादाब खान की इंजरी का। इस मैच में देखते हैं, खेलता तो पक्का बॉलिंग करेगा वरना फिर खेलेगा ही नहीं। माइकल ब्रुक्स गॉटन यहाँ पे दिखेंगे, नेथन मैकएंड्रयू ऑस्ट्रेलिया का ओवरसीज प्लेयर है, फैन एडसन प्रेंटिस, जेम्स कॉल्स लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, टिमार मिल्स आपका पे खेलता हुआ दिखेगा। अब देखें यहाँ पे ससेक्स शार्क्स की बात करते हैं, प्रैक्टिस मैच में देखो क्या किया था भाई, प्रैक्टिस मैच में ससेक्स शार्क्स की टीम सबसे बेस्ट लगी थी इस टूर्नामेंट के अंदर, जो प्रैक्टिस मैचेस हुए थे उसके अंदर सबसे बेस्ट टीम लग रही थी। क्यों, रवि बोपारा के नंबर देखो, 47 144 फ्रॉम 49 बॉल, 4 विकेट, 21 रन, 0 विकेट, 48 रन, 18 रन, 62 रन, 24 रन, 61 रन। भाई रवि बोपारा जो फॉर्म में है ना, इंग्लैंड कॉल अप ना मिल जाए भाई को, वैसे तो उम्र हो गई है भाई की, मजाक कर रहा हूं मैं, पर बहुत अच्छे टेस्ट में था रवि बोपारा। टॉम क्लार्क 28 30 1 एली और 4 बनाया था, टॉम ऑल्सॉप ने एक ही प्रैक्टिस मैच खेला 55 ठूक दिया था उसमें। शादाब खान प्रैक्टिस मैच एक ही खेला, 42 रन किया, 3 विकेट निकला था, तो भाई जो बंदा प्रैक्टिस मैच में बॉलिंग कर रहा है मैच में क्यों नहीं करेगा, इंजर्ड हो गया था नेक पे उसके चोट लग गई थी। गर्टन 53 रन 2 विकेट, 14 रन 2 विकेट, 12 रन 2 विकेट, 17 रन 0 विकेट है। नेथन मैकएंड्रयू प्रैक्टिस मैचेस में 1 रन 0 विकेट, 2 विकेट 31 रन देके। जेम्स कॉल्स 1 विकेट 1 विकेट, प्रेंटिस ने क्या किया 17 रन प्लस 4 विकेट निकाला। टिमार मिल्स 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट है, तो लेट्स सी क्या होता है इस गेम के अंदर। चलते हैं प्लेयर के स्टैट्स की तरफ, सरी का प्रैक्टिस मैच का स्कोर कार्ड देख सकते हो चाहिए तो आप, ठीक है। लॉरी वांस ठीक ठाक टच में दिखा था, 20-20 रन के आसपास करा था, 17-20-17 यही दिक्कत थी। विल जैक्स की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा इस गेम में, 9 मैचेस के अंदर हेड टू हेड के अंदर 285 रन, बहुत दया टीम को 164 का स्ट्राइक रेट, 3 विकेट में निकाल चुका, 47 की औसत है। बैटिंग फर्स्ट 1-38 नाबाद 13, चेस के ऊपर 35-65-57-76, बहुत अच्छे नंबर्स अगेन दिस टीम। वेन्यू के ऊपर 39 मैच में 955 रन है, 150 का स्ट्राइक रेट, 16 विकेटें हैं, 30 की औसत है और इस वेन्यू के ऊपर बहुत खूब खेलता लड़का विल जैक्स। 17 रन लास्ट मैच में किया, फ्लॉप हुआ था लास्ट गेम में, बहुत गलत शॉट खेला था वहाँ पे आउट हो गया। फिर लॉरी वांस 4 मैच में 75 रन है, टूडे के अंदर 8-31 बैट फर्स्ट, चेस के ऊपर 10-26 नाबाद है। लॉरी वांस वाइल चेसिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, औसत देखो, बैटिंग फर्स्ट 29 की औसत है पूरे T20 करियर में, चेस के ऊपर 37। वैसे लॉरी वांस बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत ही सॉलिड टेक्निकल बैटर है, बड़ी बड़ी लीग्स में जाके खेलता है, CPL खेल चुका है, हर टूर्नामेंट खेल चुका है, बिग बैश लीग, बस IPL नहीं खेला भाई ने अभी तक। फॉर्म देखो 26-511 रन है, 27 की औसत है, 250 है स्वैनी के ऊपर, 430 है 26 इनिंग्स के अंदर, अच्छा प्लेयर है वैसे ये। सैम गरन 8 मैचेस के अंदर 50 रन है लगभग, 3 ही बार बैटिंग करी उसे 8 मैच खेल के, अब तो प्रॉपर टॉप ऑर्डर में खेलता है, एडवांटेजेस का 4 विकेट्स निकाल चुका है। फैंटेसी प्रोस्पेक्टिव से फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, वैनी के ऊपर 37 मैच में 550 रन, 37 विकेट्स है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर तो फिर से रहेगा फैंटेसी प्रोस्पेक्टिव से। टॉम गरन बॉलिंग शायद ना करें फिर से, 11 मैचेस में 67 रन है एटवर्ड के अंदर, वेन्यू के ऊपर 46 मैच के अंदर 445 रन है। कोई न्यूज़ मेरे को मिलती है बॉलिंग से रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा।
लास्ट गेम में भी बहुत अच्छे टच में थे, 16 रन पे रन आउट हो गया था, वरना शायद ये लंबी पारी खेल जाता, अपन ने टीम में नहीं लिया था और इस वजह से थोड़ा एडवांटेज भी मिला अपने को वहां पर। जैमी ओवर टून 8 मैचेस में 95 रन, 176 का स्ट्राइक रेट है, सिर्फ एज ए बैटिंग ऑलराउंडर खेल रहा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट शायद ना रहे। जैमी स्मिथ का 6 मैच में 87 रन है, वेन्यू कीपर 19 मैच में 225 रन है, ये भी मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं, डाउन द ऑर्डर आते हैं। जॉर्डन क्लार्क का 6 मैच में 88 रन है, वेन्यू कीपर 18 मैच में 266 रन है, फॉर्म नीचे देख सकते हो। नारायण बाबा 2 मैच के अंदर 1 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट करा हर बार इस टीम के अगेंस्ट, 2 मैचेस में 1 विकेट, इकोनॉमी बहुत अच्छी रही है, अच्छा स्पिनर है। ऐसे टूर्नामेंट्स में नारायण के लिए विकेट निकालना आसान होता है, जो प्लेयर्स होते हैं स्पेशली आप देखते हो, खासकर 2-3 प्रो प्लेयर्स होते हैं हर टीम के अंदर, ठीक है, वो प्रो प्लेयर्स को छोड़ दे एक टीम के अंदर जो बड़े सुपरस्टार होते हैं, फिर वहाँ पे यंगस्टर्स खेलते हैं टीम के अंदर, तो ये नारायण ये काम करता है, वो यंगस्टर्स का विकेट निकाल लेता है इजिली, ये फायदा होता है ऐसे टूर्नामेंट्स के अंदर। तो नारायण का इस वेन्यू के ऊपर 17 मैच में 22 विकेट है, बहुत खेला है यहाँ पर, द 100 भी इसी टीम के लिए खेलता था। एबॉट 1 मैच के अंदर 110 रन, मतलब क्या ही खेला भाई ने, लास्ट मैच में 110 ठोक दिया था भाई ने, 0 विकेट निकाला था। गस एडिक्सन का 4 मैच में 4 विकेट है, एटवुड के अंदर बॉल फर्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वेन्यू के ऊपर 11 मैच में 15 विकेट हैं, लेट्स सी क्या करता है बंदा, लास्ट मैच में ड्रॉप किया था उसको और 0 विकेट निकाला था, और कोशिश करते हैं इस बार क्या ले पाएंगे। टॉम लॉस 1 मैच में 2 विकेट है, स्वैनी के ऊपर लास्ट मैच में निकाला था, अच्छा स्पेल था इसका। मोराटी को स्क्वाड में ऐड किया है, 5 मैच में 1 विकेट है, एटवुड के अंदर वेन्यू के ऊपर 15 मैचेस में 12 विकेट है। कैम स्टील, डैनियल वॉरेल को भी टीम नहीं खिला रही है, रॉय इंजर्ड है। स्टार्टिंग ओवर एबॉट गस एडिक्सन, नारायण, सैम गरन, लेथर अंदर सैम, एबॉट, गस एडिक्सन। पिछले गेम में देखो क्या हुआ था, सैम गरन का 1, 4, 13, 18 था, एडिक्सन का 2, 8, 12, 19, एबॉट का 3, 6, 20 था, नारायण का 5, 7, 10, 16, टॉम का यहाँ पे टॉम लॉयस जो प्लेयर है 9, 11, 15, 17, विल जैक्स का 14 था, एक ओवर में 2 विकेट निकाल गया भाई, थर्डा प्लेयर है अपना विल जैक्स। एलेस्टर वॉर लेफ्टी बैटर है, हेड टू हेड के अंदर 30 रन किया है, फॉर्म देखो 33-4। टॉम क्लार्क मतलब थॉमस क्लार्क हेड टू हेड वेन्यू नहीं खेला, फॉर्म 8-28-30-1 है। टॉम अल्सो 4 मैचेस में 67 रन से, पहले हैम्पशायर के लिए खेला करता था, 17-1-38-11 ठीक ठाक नंबर से, इतना खराब प्लेयर भी नहीं है। बैटिंग फर्स्ट 24, चेस के ऊपर 27 की औसत है। लास्ट सीजन टॉम अल्सो हाईएस्ट रन गेटर था इस टीम का, ये आपको याद रखना है, लास्ट ईयर सुपर स्टार था इस टीम का। फॉर्म 9-55, वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 56 रन से 110 का स्ट्राइक रेट है। फिर आपको यहाँ पर दिखते हैं रवि भोपारा, भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है बंदा, क्या खेल रहा है प्रैक्टिस मैचेस में, मैंने फॉर्म के अंदर प्रैक्टिस मैच के स्टैट्स भी ऐड कर दिए, सोचा आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसका फॉर्म देख लो आप, ये घातक फॉर्म में पूरा, 29 मैचेस में 610 रन से, एटवुड में 28 की औसत है, 23 विकेट्स भी है, फिर से कैप्टनसी वैस कैप्टनसी का ऑप्शन है। लास्ट मैच में भी बड़ी खूबसूरत 80 रन की पारी खेला उसने, वेन्यू के ऊपर 25 मैचेस के अंदर 550 रन है, प्राइम टच में लग रहा है मेरे को रवि भोपारा फिलहाल। जो बंदा प्रैक्टिस मैच में स्कोर करके आता है ना, उसमें कॉन्फिडेंस अलग होता है बंदे में, क्यों, वो अपनी तैयारी अच्छी करके आता है, जो टीम तैयारी अच्छी करके आती है प्रैक्टिस गेम्स के अंदर, वो टीम फिर मैचेस में अच्छा कर सकती है। वैसे सीरियसली कहूँ तो लास्ट मैच में सशक्त अलग टीम दिखी थी, जीतनी चाहिए थी, बस शादाब खान की जो 4 ओवर का स्पेल था ना, वो उनको मिला नहीं उस गेम में, बस वो एक कमी रह गई थी। शादाब खान हेड टू हेड खेल चुका है, 2 विकेट निकाला, प्लस 21 रन बनाए थे, वेन्यू के ऊपर भी 2 विकेट प्लस 21 रन था, खेलेगा मेरा कैप्टनसी ऑप्शन रहेगा। लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं करी, रीजन मैंने समझा दिया था क्यों नहीं करी, चोट लग गई थी गर्दन के ऊपर, जो नए वीडियो स्किप करके देखते हैं उनको समझा रहा हूँ अभी मैं। मैगल ब्रुक्स 2 मैचेस के अंदर 6 रन है, खास प्लेयर मेरे को नहीं लग रहा। जेम्स कॉल्स अंडर 19 का सुपरस्टार, अंडर 19 का इंग्लैंड के लिए लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्समैन डालता था, लेट्स सी हेड टू हेड वेन्यू नहीं खेला। गर्टन 4 मैचेस में 0 विकेट, हेड टू हेड के अंदर वेन्यू के ऊपर 4 मैच में 4 विकेट है, लेट्स सी कैसा स्पेल आता भाई का। फॉर्म नीचे आप देख सकते हो, ठीक ठाक फॉर्म रहा है वैसे। गर्टन प्रॉपर बॉल फर्स्ट वाला बॉलर है, सीरियसली कहूँ तो मैं। फैन एडसन प्रेंटिस हेड टू हेड के अंदर 49 रन, 0 विकेट है, सेम फॉर द वेन्यू। प्रैक्टिस गेम में 4 विकेट हॉल लेके आ रहा है, डेथ ओवर में भी डालता है, मैं बताऊंगा कौन सा ओवर डालता है। नथन मैकेंड्रू हेड टू हेड वेन्यू नहीं खेला, फॉर्म नीचे आप देख सकते हो, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 42 रन, 0 विकेट। टिमार मिल्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 11 मैच में 13 विकेट हैं, बॉलिंग नॉन इनिंग्स में करी है 11 मैच खेल के, बॉल फर्स्ट 6 मैच है, बॉल सेकंड 3 मैच में 5 विकेट है, वेन्यू के ऊपर 5 मैचों में 5 विकेट है। हेनरी क्रोकोम्बे स्टैट्स दिए हैं, पढ़ सकते हो, बेंच प्लेयर है सारे। ब्रैड करी मेरे को अच्छा बॉलर लगता है, विकेट टेकिंग बॉलर है इसके, मैं जब वीडियो देख रहा था। हैरिसन वार्ड इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, ओली कार्टर बड़े वाल भाई के, तगड़ा बंदा अपना है तेरे नाम वाला। स्टार्टिंग ओवर गर्टन, टिमार मिल्स, फ्रंटस फाइटन प्रेंटिस है यहाँ पे,
फिर आपको नथन मैकेंडू देखेंगे, टिमार मिल्स, नथन मैकेंडू, बोपारा एंड प्रेंटिस, पूरा नाम क्या था उस बंदे का, फैन हडसन प्रेंटिस। हाँ मतलब कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। स्टार्टिंग ओवर वैसे 3-4 साल से देख रहा हूँ उसको मैं, फैन हडसन प्रेंटिस को, फैन हडसन प्रेंटिस को। स्टार्टिंग ओवर देखो, गटन ने डाला पहला, तीसरा, तेरहवा, टिमार मिल्स का दूसरा, छठवा, सोलहवा, अठारहवा, बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर है टिमार मिल्स जैसा कोई बॉलर नहीं है इस टीम के अंदर। पावर प्ले क्लोज करने आया, दो डेथ में डाल गया, तो तीन ओवर क्रुशियल फेस पे डाले थे। जो बॉलर पावर प्ले क्लोज करता है ना, समझ जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर होता है। फ्यान हडसन प्रेंटिस चौथा, ग्यारहवा, बीसवा, तीन ओवर डाला। भोपारा का था पाँचवा, नहीं भोपारा का था सातवा, चौदहवा, उन्नीसवा। नैथन मैकेंडू का पाँचवा, नौवा, पंद्रहवा, सत्रहवा। जेम्स कॉल्स का आठवा, दसवा, बारहवा था। मैच की तरफ चलते हैं भाई साहब। तो देखो यहाँ पे विल जैक्स वर्सेस टिमार मिल्स, बहुत धोया भाई को, 6 ओवर के अंदर ऐसा लग रहा है 15 ओवर के रन्स मारे भाई को, समझ रहे हो, 15 ओवर, 15 ओवर मतलब कितना होता है 96, उतने रन्स मारे भाई को, 6 बॉल मतलब 36 बॉल मतलब 6 ओवर, तो 36 बॉल में 94 मारा भाई को, 6 इनिंग्स में 2 बार आउट हुआ। वैसे भोपारा परेशान कर सकते हैं, बहुत अच्छा बॉलर है वैसे। जैसन रॉय तो अवेलेबल नहीं है, भोपारा ने वैसे उनको परेशान किया हुआ है। और चलते हैं यहाँ पे लॉरी वांस वर्सेस शदाब खान, बहुत बड़ा मैचअप होगा, शदाब खान खेलते हैं। तो 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया शदाब खान ने लॉरी वांस को, 16 बॉल में 10 रन देके। टिमार मिल्स ने 4 इनिंग्स में 1 बार आउट किया, 13 बॉल में 10 रन देके। टिमार मिल्स वर्सेस टॉम करन, 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया और 8 बॉल में 5 रन देके। टिमार मिल्स वर्सेज जेमी ओबर्ट्यून, 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 7 बॉल में 12 रन देके। तो मिडिल ऑर्डर वर्सेज टिमार मिल्स देखने को मिलेगा आपको। नारायण वर्सेज शदाब खान, टिमार मिल्स एक एक बार आउट किया हुआ है। एलिस्टर रॉर वर्सेज गस एडिंगसन, 4 बॉल 6 रन, 1 बार आउट किया है। टॉम ऑल्सॉफ का कोई खास मैचअप नहीं, रवि भुपारा पुराना प्लेयर है, इसका मैचअप मिल जाएगा अच्छा खासा, अपने पास ज़्यादा डेटा रवि भुपारा की। सैम करन के सामने 6 इनिंग्स में 2 बार आउट चुके हैं रवि भुपारा, 27 बॉल में 33 रन है। टॉम करन तो बॉलिंग खैर शायद ना करें, नारायण ने 16 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है कि नारायण भुपारा को ज़्यादा आउट नहीं कर पाए, दोनों वेटरन प्लेयर्स है। शदाब खान वर्सेस सैम करन, 2 इनिंग्स में दोनों बार आउट किया भाई को, 15 बॉल में 15 रन देके। गैस हटिंगसन ने 6 बॉल में 11 रन देके 1 बार आउट किया है। हैरिसन वार्ड, और भाई साहब 500 रुपीज़ का साइन अप बोनस है फ्री के अंदर। और आज है IPL का फाइनल 7:30 बजे, ये मैच के डेडलाइन से आधा घंटे बाद, 5 लाख रुपये का फ्री गिव अवे विजन 11 पे, साइन अप कर लेना फ्री के अंदर, 500 रुपीज़ आपको फ्री में और मिल जाते हैं। खेल के देखो, ट्राई करके देखो, अच्छा लगता तो सही है, वरना आपकी मर्जी है, एंट्री फीस कम लगती है यहाँ पे। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, रेफर कोड स्टैट्स गुरु। कॉमन कैप्टन विल जैक्स, सैम करन, बड़ी लीग में शदाब खान, रवि भोपारा, ये 2 सुपरस्टार प्लेयर्स इस गेम के अंदर आपको खेलते हुए दिखेंगे। नारायण और अबेट को नहीं भूल सकते, कुछ ना कुछ आपको फैंटेसी वाले देते ही देते हैं ये प्लेयर्स। अब चलते हैं यहाँ पे भाई साहब 1 मिलियन का मिशन, देखते हैं कब पूरा होता है। अपने मोबाइल ऐप और वेबसाइट है statsguru.com, जाके स्टैट्स चेक कर सकते हो। आप खुद देखो यहाँ पे टोटल कितने स्लाइड्स हैं, यहाँ पे 66 स्लाइड्स आपके सामने मैंने पूरी प्रेजेंट करी है भाई, बहुत मेहनत लगती है। वीडियो को शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, आपके सामने मैं पूरी स्लाइड्स लेके आता हूँ, प्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूँ मैं, तो बड़ी मेहनत लगती है। हो सके तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इतनी सी कहानी रहती है। टीम्स की बात करते हैं, तो फिलहाल मेरी टीम बन रही है यहाँ पे, सैम करन कैप्टन। अगर आपको वीडियो छोटा दिखता है ना, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप टीम दिखाते हो तो छोटा दिखता है, तो आप थोड़ा सा जूम कर लिया करो फोन को, थोड़ा बेटर होगा आपके लिए भी। तो सैम करन ने यहाँ पे कैप्टन है, विल जैक्स वाइस कैप्टन किया, लॉरी वांस को टीम में लिया है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अच्छी पारी खेले। टॉम ऑल्सॉफ बेस्ट विकेट कीपिंग ऑप्शन है। शदाब खान भाई मेरा दिल है यहाँ पे, सीरियसली कहूँ शदाब को और रवि भोपारा को भी कैप्टन वाइस कैप्टन करने का। शायद मैं यहाँ पे 2 टीम से खेल जाऊँ जिसके अंदर मैं कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट कर लूँ, रवि भोपारा और शदाब खान। फिर शैन ओवर टीम में नारायण है यहाँ पे, टिमार मिल्स है, नथन मैकेंडू भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, 4 ओवर डालते हैं, ऑस्ट्रेलिया का ओवरसीज प्लेयर है, ओवरसीज प्लेयर के ऊपर जिम्मेदारी भी होती है। या सेटिंग से यहाँ पे टीम में लिया हुआ है, पर नथन मैकेंडू ऐसा है मूडी प्लेयर है, इसका दिन रात तो 3-4 विकेट निकालता है, वरना 2-3 मैच तक विकेटलेस जाता है ये। अब देखें यहाँ पर टॉम करन को भी लिया जा सकता है इंस्टेड ऑफ गस एटिंगसन या नथन मैकेंड्रू। टॉम करन एज ए बैटिंग ऑलराउंडर खेल रहा है, बॉलिंग शायद ना करे फिर से, शायद मैं क्यों हमेशा क्यों कहता हूँ, मैच के टाइम पे पता नहीं क्या रिपोर्ट आ जाए। मैंने आपको स्टार्टिंग मैच में भी बता दिया था बॉलिंग नहीं करेगा। फिर देखिए यहाँ पे चलता है, यहाँ से सिर्फ मेरे को एक इंपॉर्टेंट प्लेयर लग रहा है टॉम ऑल्सो। यहाँ से देखिए विल जैक्स इंपॉर्टेंट, एलियोनोर शायद इतना इंपॉर्टेंट ना रहे, आप ट्राई कर सकते हो। लास्ट मैच में 183 की स्ट्राइक रेट से खेला था, 33 करके गया था। रॉय मौजूद नहीं है। लॉरी वांस बहुत बढ़िया प्लेयर है, इनिंग्स बिल्ड कर सकता है अच्छी खासी, और मेरे को कोई इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है यहाँ से, ट्राई करना है तो एलियोर को लेके जा सकते हो आपकी मर्जी हो तो, वरना मैं लॉरी वांस के साथ ही जाऊँगा। सैम करन, भोपारा, एबॉट, नारायण, शदाब इंपॉर्टेंट है। गर्टन को ग्रैंड लीग में ट्राई करना, बॉलिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट स्पेल हो सकता है। टॉम करन इंपॉर्टेंट रह सकता है विद द बैट, अच्छा प्लेयर है, अच्छा खेल रहा है सीजन के अंदर, पहले मैच में अच्छा टच में दिखा, लास्ट मैच में भी बहुत अच्छा टच में दिखा था। टिमार मिल्स इंपॉर्टेंट,
नाथन मैकेंड्रू सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर के स्पेल की वजह से इंपॉर्टेंट है, 1 ओवर डेप्थ में, थोड़ी बहुत बैटिंग। एटिंगसन विकेट टेकिंग बॉलर लगता है मेरे को, लास्ट मैच में नहीं लिया था मैंने, रीजन सिंपल था, मेरे को लगा कि कैंट के जो मिडल ऑर्डर बैटर्स अच्छे खासे मिडल ऑर्डर बैटर्स हैं, विकेट नहीं गिरेगा, पर विकेट दूसरे एंड से गिरा। टॉम लेविस विकेट निकाल गया था, कहाँ गया टॉम लेविस, दिख रहा आपको ये विकेट निकाल गया था लास्ट मैच में। तो लेट्स सी क्या होता है, रोटेट कर लेना गैस एटिंगसन या फिर आपका दिलो गर्टन या फिर ग्रैंडली खेल रहे हो तो एक दो टीम में उसको भी ट्राई कर सकते हो, फ्यान हडसन परिंटस को, ये भी अच्छा प्लेयर है वैसे, गर्टन वहाँ पे अच्छा ऑप्शन है। तो देखते रहिए स्टैट्स, जो लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। सी सून, लव यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।